फ्रेंड्स, आई एम संदीप। दिस इज मैकेनिकल सॉल्यूशन। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टील के बारे में। स्टील क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील और किस मेथड से स्टील को बनाया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे स्टील क्या होता है। दोस्तों स्टील फेरस मेटल होता है। फेरस मेटल जानते हो, आप लोग जानते होंगे क्या होता है। फेरस मेटल में कम से कम एक जो एलिमेंट्स हुआ आयरन होना चाहिए। तो जो स्टील होता है दोस्तों, वो आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, या हम कह सकते हैं इट इज द एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, जिसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा 2% से कम होती है। तो अगर किसी दोस्तों किसी फेरस मेटल में कार्बन की परसेंटेज मात्रा 2% से कम है, तो वह मेटल जो होगा वह स्टील होगा दोस्तों। अगर 2 से 4% के बीच में वह कास्ट आयरन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि स्टील को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों स्टील को बनाने का जो मेथड है वह एलडी कन्वर्टर या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, बेसिमर कन्वर्टर, ये सब विधियों से बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो जिस चीज से बनाया जाता है स्टील, वह होता है पिग आयरन और रॉट आयरन। पिग आयरन दोस्तों बनता है आपका, जो हम जानते हैं कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वह हमें खदानों से मिलता है अयस्क के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो आयरन ओर्स और कोक या लाइम स्टोन को अगर ब्लास्ट फर्नेस में मिलाकर जो बनता है वह होता है पिग आयरन, ठीक है दोस्तों। और जो रॉट आयरन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। रॉट आयरन दोस्तों बनता है पडलिंग फर्नेस में। पडलिंग फर्नेस में भी वही दोस्तों मिलाया जाता है, कोक, लाइम स्टोन और पिग आयरन की मदद से रॉट आयरन बनता है। और जो स्टील बनता है दोस्तों, या पिग आयरन से बना सकते हैं या तो हम रॉट आयरन से बना सकते हैं। और पिग आयरन या रॉट आयरन बनाने के बाद हम जो पहले बता चुका हूँ, बेसिमर कन्वर्टर, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ये सब विधियों के द्वारा हम स्टील को बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। दोस्तों जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील है उसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन के आधार पर, दूसरा होता है अलॉयिंग एलिमेंट्स के आधार पर। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के आधार पर जो होता है दोस्तों, वह स्टील जो होता है तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। लो कार्बन स्टील को दोस्तों माइल्ड स्टील बोलते हैं। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वह 0.3% से कम होती है। इसमें डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है दोस्तों, वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है इसकी, मेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। इसका यूज वायर, सीड्स और पाइप्स कनेक्टिंग रॉड बनाने में किया जाता है। दूसरा दोस्तों होता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा 0.3 से 0.6% के बीच होती है। इसका यूज दोस्तों एक्सल, कीज, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट बनाने में किया जाता है। तीसरा होता है दोस्तों हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन में कार्बन की परसेंटेज मात्रा 0.6 से 1.5% होती है। इसका यूज रेलवे ट्रैक्स बनाने में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। दूसरा मैंने बताया था कि अलॉयिंग एलिमेंट्स के आधार पर होता है दोस्तों। अलॉयिंग एलिमेंट्स का ये मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला जाता है डिजायरेबल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पाने के लिए। तो इसमें पहला जो दोस्तों आता हुआ हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील का यूज टूल्स बनाने में किया जाता है। इसका एक प्रॉपर्टी होता है दोस्तों कि यह हाई टेम्परेचर पे भी अपने हार्डनेस को बरकरार रखता है, जिसके कारण इसकी वियर एंड टियर या घिसाव ज्यादा नहीं होता है। दूसरा दोस्तों स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को हिंदी में बेदाग स्टील बोलते हैं। इसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता दोस्तों, इसलिए इसका यूज बर्तन बनाने और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में किया जाता है। तीसरा दोस्तों जो है वह होता है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील में जो प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रिक सामान बनाने में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ स्टील होते हैं जैसे फोर्जिंग स्टील, कंस्ट्रक्शन स्टील, ये सब यूज के हिसाब से दोस्तों बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग को स्टील क्लासिफिकेशन, स्टील और स्टील को कैसे किस मेथड से बनाया जाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इन लास्ट दोस्तों आई वांट टू से वन थिंग, वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, जय हिंद।